नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कोमल गंवार। बात करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ यूपी की, क्योंकि यूपी के 15 जिले सील कर दिए गए हैं। बता दें कि लॉकडाउन चल रहा था, जो जिसकी तारीख है 14 अप्रैल के दिन का लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान भी कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए यूपी सरकार ने यूपी के 15 जिलों को सील कर दिया है। अब ये जिले किस तरीके से सील किए गए हैं, इन जिलों में कौन कौन से इलाके हैं जो सील कर दिए गए, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 65,500 के ऊपर चली गई। 65,000 के ऊपर संक्रमितों का आंकड़ा है और मौत का आंकड़ा भी 180 के ऊपर जा चुका है। आपको बता दें कि मौत तो हो चुकी है, लेकिन जो लोग स्वस्थ हुए वो भी एक कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे देश में कई लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि यूपी के 15 जिले सील कर दिए गए हैं। रात 12 बजे से ये नियम लागू कर दिए गए। इस दौरान जो भी लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे सील्ड एरिया में, वो लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। ज़रूरी सामान की होम डिलीवरी कराई जाएगी। लेकिन बहुत ही ज़रूरी बात इस वक्त ये है कि यूपी के 15 जिलों में कौन कौन से इलाके जो है सील कर दिए हैं। सबसे पहले चलेंगे लखनऊ की तरफ, वहाँ के हालात क्या है जानेंगे हमारे संवाददाता शरफुद्दीन खान से। शरफुद्दीन, इस वक्त लखनऊ के कौन कौन से इलाके हैं जो सील कर दिए गए? बिल्कुल, हम आपको बताए, जिस तरह लखनऊ की जो पोजीशन है बहुत जो है नाजुक जा रही है। पुलिस विभाग भी परेशान हो चुका है और योगी आदित्यनाथ भी दौरा करने के लिए जो है ऐलान कर दिया है। 2 से 3 के बीच में पूरे लखनऊ को दौरा करेंगे और लखनऊ के जो पॉश एरिया है हजरतगंज को सीज कर दिया गया है। खास कह दिया जो सीज कर दिया है, जहाँ पे कम्युनिटी ज्यादा रहती है, जहाँ पे मुसलमान की पब्लिक ज्यादा है, वहाँ पर वहाँ को सीज कर दिया है। अंबरगंज चौकी जो थाना ठाकुरगंज में आती है उसको सीज कर दिया है। थाना चौक को सीज कर दिया है। हजरतगंज को सीज कर दिया गया है। और कैंट थाना जो जहाँ पे मिलिट्री का बहुत बड़ा तबका वहाँ पे रहता है उसको सीज कर दिया, क्योंकि जो है मिलिट्री के ऐसे नौजवान है जिनको कहीं ना कहीं तरह से जो है मामला नहीं आने पाए, तो उसको भी कहीं ना कहीं चीज को सीज कर दिया गया है। अभी हालात को ये बता दिया गया है कि जिस तरह से लोग जो है अपने अपने घरों से निकलना रोक लग गई है और कहा गया है जो लोग जो है रोडों पर निकल के आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जो है पुलिस विभाग भी जो है उनको पकड़ रही है, उनको अपने अस्त्र समझा रही है, प्यार समझा रही है, लाठी डंडे से नहीं समझा रही है, मगर जनता के समझ इस बात को नहीं आ रहा है कि गोंगल हाथी जिस तरह से बहुत बनाया जा रहा है उसका यही रोल देखा जा रहा है कि पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका सामने नजर आ रही है, बहुत प्यार से बहुत ही अच्छी तरह समझा रही है। जब नहीं समझ में आता किसी के तो कहीं ना कहीं टाइट होना जरूरी है और पुलिस विभाग को टाइट होना पड़ रहा है। जैसा कि आपने बताया कि लखनऊ के ये इलाके हैं जिनको सील कर दिया गया है, इस दौरान जानना चाहेंगे जो जरूरी सेवाएं हैं उनको किस तक जनता तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो ये था कि लॉकडाउन के समय में लोग जरूरी सेवाओं के लिए जरूरी सामान के लिए बाहर निकल रहे थे, लेकिन अब क्या किया जा रहा है? और आपको बात आपकी बहुत अहम, बहुत अच्छा सवाल है इसका कि जिस तरह सरकार ने जो है डील दी थी, जिस तरह कहा था कि आप जनता जो है अपनी अपनी चीज़ों को सामान रख सकती है, सब खरीदारी कर सकती है और खरीदारी करके अपने जो है सामानों को रख सकती है, खाने पीने की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, दूध है, जैसे बच्चों की चीज़ें, कई लोगों ने अपने सामानों को भर के रख लिया है। इसमें कोई अभी इस तरह अभी तक चरणों ने जो है दौरा किया है, FBI ने जो है जिन्हें जाकर पूछताछ भी की है, मगर अभी तक कोई ऐसा सामने मामला आया नहीं है। ना लोगों के घर में अच्छा खासा चार चीज़ें राशन जो है लोगों ने बांटा भी है, लोगों के सरकार ने भी बांटा है, जो है लोगों के घर सब चीजें भरी हुई है, मगर ये चीज कोई जनता को भी समझना चाहिए कि जो है जो सीज लोग सीज कर दिए गए हैं उनका निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, मगर जो है अपने आप को संभाले और नहीं संभलता है तो ये बीमारी कैसी बीमारी है जो शिकंजा करते चली जा रही है और उसको लेकर बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है कि लोग इस पर रोक लगना चाहिए, मगर लखनऊ शहर जो जो है एकदम घनी आबादी में बसा हुआ है, अगर उस पर जो है कहीं ना कहीं आरोप ये लग रहा है कि लोग यहाँ के ना निकलते किसी नौबत ना आती कि हम कहीं ना कहीं आगे चल के कामयाब बन सकते थे। राज्य का मुख्य सचिव फसल सचिव ने जो ऐलान किया था वो भी कहीं ना कहीं जो है सामने नजर आ रहा है, लोग दुकानें बंद किए हैं, दुकानों से निकल नहीं रहे हैं, मगर जो जनता है वो मान नहीं रही है और एक गाड़ी के पास जो है 2 लोग बैठे 3 लोग बैठे जा रहे हैं। इसके लिए जो चलान करिए अभी मैं आपको बता दें 12,343 चलान अभी तक के सुबह से लेकर अभी तक के हो चुके हैं, मगर इसका मतलब आज ये देखिए 12,000 चलान हुए तो 12,000 गाड़ियां निकली होंगी, 25-12,000 के हम लोगों को चलान किए गए तो 12,000 आदमी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है बाहर। इस तरह की घटना है, बड़ी लापरवाही जी शरफुद्दीन, बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे में जानना चाहेंगे जैसे कि दुकानें और सब्जी मंडी भी सील के दौरान बंद रहेंगी, तो क्या बैंक और ATM की सेवाएं भी इस दौरान बंद रहेंगी?
मुगल जी यदि आप यहाँ बात में सही सवाल है, आपका जो बैंकें खुली हुई हैं, एटीएम खुले हुए हैं और लोगों को ये कहा जा रहा है कि इसको भी बैंक में बहुत सब जगह पैसों की सच्चे मुगल जी पैसों की कहीं ना कहीं जरूरत नहीं है, लोग इसको जो है सामने ला रहे बातों को ऐसे में जहाँ 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 पे हालात बंद हो वहाँ पे सारी चीजें मुहैया करा दी गई, पैसे की क्या जरूरत सामने निकल कर आ रही है, इसीलिए अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है हमको पैसे की जरूरत है, हमको मेडिकल जाने की जरूरत है, हमें बैंक जाने की, किस देश में बैंक जाया जाएगा। लोग एक कहीं ना कहीं एक सवाल ये निशान ये भी उठ रहा है कि लोगों ने यह अफवाह उड़ा दी है कि बैंकों से पैसा निकाल लिया है, वरना जो है पैसे आपके नहीं निकलेंगे और जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, सरकार कहीं ना कहीं रूल को लगा देगी और बैंक का पैसा खत्म हो जाएगा और आपके बैंक पैसे जो है कहीं ना कहीं जब्त हो सकते हैं। तो इस तरह की जो अफवाह जो है हम सरकार की यदि अपील जो है हुई है कि बैंकों से जो है पैसा वहीं रहेगा और उनका पैसा कहीं ना कहीं दिक्कत में नहीं आएगा, मगर जनता इस बात को समझ नहीं पा रही है, जनता कहीं ना कहीं जो है बाहर निकल ले रही काम कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल निशान सरकार के तौर पर सरकार टाइट नहीं हो पा रही है, इसी वजह से टाइट नहीं हो पा रही है कि जनता को कहीं ना कहीं जो राहत दी जाए, मगर जनता राहत लेना नहीं चाह रही है और बाहर निकल रही है, इसकी भी जनता के ऊपर सवाल निशान उठ रहा है। जी गोमन यहाँ पर सरकार की तरफ से पूरे प्रयास दिख रहे हैं लेकिन जनता की तरफ से सवाल निशान भी खड़े हो रहे हैं कि जनता क्यों घरों से बाहर निकल रही है, उनके ऊपर एक सवाल निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो जरूरी चीज है ये है कि जो जरूरी सामान की गाड़ियां इधर से उधर जा रही थी या फिर जरूरी सेवाओं के लिए क्या स्पेशल पासेस जारी किए जा रहे हैं, पहले भी एक पास जारी किया गया था, अब कौन से पासेस जारी किए जा रहे हैं उनके बारे में बात करें। जो पास पास हुए थे और ऊपर जो है गवर्नमेंट जो है सरकार ने खत्म कर दिया है और जैसे मीडिया पास जो है और जो सरकारी विभाग के लोग पास है वो पास जारी किए हैं और उस पर फिर दोबारा जो है उनको मोहर लगाई गई है। आज आम जनता से अपील की जा रही है कि आप लोग जो पास आपको पास किए गए पूरी सरकार को भी बता दिया, डीजीपी ने भी ऐलान कर दिया है और डीजीपी ने खास करके पैक करने के लिए कहा है, इसको पैड ओवर के काम किया जाए और इसको हल्के में ना लिया जाए, ये कोई दंगे का कर्फ्यू नहीं है कि हम यहाँ खुला हुआ है तुम कहीं और जाकर के सामान ले सकते हैं, वहाँ पर है तो वहीं कहीं और सामान ले जा सकते हैं, आदमी सही रहेगा तो सामान लेने की जरूरत पड़ सकती है, अगर जब आदमी खत्म हो जाएगा तो जरूरत से कहाँ होगी। फिलहाल हम आपको बता दें कि बलरामपुर के डॉक्टरों ने जो हड़ताल कर दी है इसी को लेकर के आए दिन जो है सरकार ने जो इनको सुविधाएं दी है वो सुविधाएं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है और जनता वहाँ बीमारियां जो है कमजोर पहुंची चली जा रही है। सर ये भी डॉक्टर भी कह रहे हैं कि मैं कहाँ से इलाज कराऊँ, मैं कहते जो है लोगों को ट्रीट करूंगा कि जनता पहुंची चली जा रही है, ना निकलने का कारण यही है कि ना निकले तो इनोवा को कहने की सरकार जो है शिकंजा कर सकती है और बीमारियों को रोक सकती है, मगर ये चीजें जो है जनता के ऊपर बहुत बहुत सवाल ये निशान है कि जनता जो इस बात को समझ नहीं रही है, आप ध्यान से खेल लीजिए अपनी जिंदगी से खेल लीजिए, ये खुद जिम्मेदार बन रहे हैं, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है आपने, ऐसे में सरकार का कोई दोष नहीं क्योंकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शरफुद्दीन के लिए। लखनऊ से हमारे संवाददाता शरफुद्दीन खान जिन्होंने लखनऊ के हालात बताए, कौन कौन से इलाके सील किए गए हैं, किस तरीके से वहाँ पर सरकार कोशिश कर रही है जनता की मदद करने के लिए। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 15 जिलों के कुछ इलाके हैं जो हॉटस्पॉट बन चुके हैं कोरोना के, उनको सील कर दिया गया है। जिस तरीके से ये जब डिसीजन आया था तो जनता में हलचल मच रही थी कि अब 15 जिले सील कर दिए जाएंगे, लोग बाहर कैसे जाएंगे, तो पैनिक बाइंग शुरू हो चुकी थी। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहना जारी था कि किस तरीके से वो डिलीवरी कराएंगे सामान की, किस तरीके से ये मदद जनता तक पहुंच पाएगी, लेकिन अभी जो सरकार है उनका डिसीजन कहीं ना कहीं ये सही साबित होता नजर आ रहा है क्योंकि जनता की बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है, घरों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं लोग। बता दें कि जैसा कि शरफुद्दीन ने बताया कि लखनऊ में 12,000 से ऊपर जो है चालान काटे गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिन में 12,000 के करीब जो गाड़ियां हैं वो निकाली गई होंगी लॉकडाउन के बावजूद भी। जब लॉकडाउन तो कर दिया गया है राज्य को, पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने अपने घरों में हैं, बिल्कुल बाहर ना निकले। लेकिन अब जो डिसीजन लिया गया है कि जो राज्य हैं उनके भी इलाके जो हॉटस्पॉट बन चुके हैं कोरोना के, उनको सील कर दिया गया है, वहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं जो है सरकार की तरफ से ही मुहैया कराई जाएंगी। अगर आप बाहर निकलते हैं कड़ी कार्रवाई हो सकती है, आप कारण अगर नहीं बता पाते हैं तो। बड़ी खबर है ये यूपी के 15 जिले जो लॉकडाउन किए हुए उनसे उनके बाद में अब उनके कुछ इलाके सील कर दिए गए हैं, उसके बाद अब जो कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, अगर लोग बाहर घूमते हुए पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है अगर वो कारण नहीं बता पाते हैं। यूपी के 15 जिले कौन कौन से जिले हैं एक बार आपको बता देते हैं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, शामली, सहारनपुर, लखनऊ, मेरठ, महाराजगंज, वाराणसी, बरेली, बस्ती, फिरोजाबाद और सीतापुर। ये 15 जिले हैं जहां पर कोरोना के हॉटस्पॉट्स को सील कर दिया गया है। जी हां, जहां पर आपको खबरों के अनुसार बता दें कि 6 से ज्यादा जो कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहां पर हॉटस्पॉट समझ कर उसको सील कर दिया गया है और
यहाँ पर लोगों को घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं है, क्योंकि बाहर निकलकर जो भगदड़ मचती है लॉकडाउन के दौरान काफ़ी लोगों को सड़कों पर देखा जा चुका है। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं, अगर होम डिलीवरी करवाई जा रही है तो वो भी मुहैया करवाई जा रही है, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन के दौरान ये बोला जा रहा था कि ये सारी सुविधाएँ जो हैं घर तक पहुँचाई जाएंगी, जो भी इमरजेंसी सेवाएँ हों, चाहे घर का सामान हो, सब्जी हो, अब घर तक पहुँचाई जाएगी। इस पर सख्ती कर दी गई है, क्योंकि लोगों को बाहर नहीं निकलना, इसका मतलब नहीं निकलना है। लॉकडाउन के दौरान काफ़ी लोगों ने इसकी अवहेलना की थी कि लॉकडाउन के बावजूद भी वो सड़कों पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इलाकों को सील कर दिया गया है। चलेंगे अब नोएडा की तरफ। नोएडा से हमारी सहयोगी शिखा रस्तोगी जुड़ चुकी हैं। शिखा, इस वक्त नोएडा के क्या हालात हैं, कौन कौन से हॉटस्पॉट्स जो है बनाए गए हैं, सील कर दिए गए? जी कोमल, सबसे पहले आपको बता दें कि नोएडा के हालात इस तरह के हैं, जब से 12 बजे से, रात 12 बजे से जब से ऐलान किया गया कि नोएडा को भी सील कर दिया जाएगा, नोएडा का भी नाम है 15 जिलों में शामिल है, तो सबसे ज्यादा यहां पर जो एक भगदड़ सी मची थी वो थी राशन और सब्जियों के लिए, जहां सारी दुकानों में लाइन लग गई थी। एक तरफ से देखा जाए लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए तो लॉकडाउन को लेकर एक उल्लंघन भी देखने को मिला था, सारी दुकानों में लंबी लाइनें लग गई थी। और वहीं पुलिस प्रशासन भी कहीं इस दौरान नजर नहीं आया भीड़ को हटाते हुए, क्योंकि एक मजबूरी सबके सामने थी, क्योंकि एक लंबा लॉकडाउन के बीच में जब यहाँ सीलिंग की कार्रवाई हो रही है, जब सील कर दिया जाएगा तब उनको कोई भी सामान उस वक्त उपलब्ध नहीं होगा, यही डर एक लोगों के मन में बसा हुआ था। इसको देखते हुए लोग दौड़ पड़े इस जगह पे, जमाखोरी का भी मामला सामने आया था, जहां पर सब्जियों के और राशन के दाम को दोगुने दामों पर बेच रहे थे। लोगों में काफी अफरा तफरी मच गई थी, इस तरीके का माहौल देखने को मिला था। अगर बात नोएडा की जाए तो नोएडा के ज्यादातर इलाकों में सबसे ज्यादा राशन को लेकर, और यहाँ तक कि जीएम से भी कई शिकायतें की गई, शिकायत भी करवाई गई थी कि इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। और नोएडा में जीएम सुहास एलवाई की जो कार्रवाई है, जो उनके तेवर है, उनको देखते हुए अधिकारियों के भी पूरे से जो है वो पस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक प्रशासन जितनी हिलावाली कर रहा था, लेकिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से नोएडा के डीएम है वो पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं, तो देखते हुए साफ तौर पर लग रहा है कि एक अच्छी उम्मीद एक जग रही है, क्योंकि नोएडा में जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे थे, और इसी दौरान फिर जब नोएडा में जीएम सुहास एलवाई को जीएम का पदभार ग्रहण करने को मिला, तो यहाँ पर ये देखना होगा कि आखिर किस तरीके से पूरा एक्शन लिया है और ये जो सील करवाया गया है, हालांकि ये सभी जनहित में ही ये फैसला लिया गया है, 14 अप्रैल तक का जो सीलिंग की कार्रवाई के लिए का आदेश दिया गया है, सील किया गया है 15 जिलों में, नोएडा गाजियाबाद का भी नाम शामिल है, और यहाँ पर भी कई ऐसे हॉटस्पॉट बनाए गए हैं जहाँ पर सील किया गया है। और सीलिंग के दौरान यहाँ पर एक बात ये भी बतानी जरूरी होगी, क्योंकि एक अफवाह ये भी थी कि सील पूरे जिले को किया गया है और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन सरकार ने ये बात को स्पष्ट कर दिया है कि जिन जिलों को शामिल किया गया है उनके जो हॉट स्पॉट बनाए गए हैं उन हॉट स्पॉट को सील किया जाएगा, जिससे वहां के लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जी, आपके जरिए आप अपने दर्शकों को हॉट स्पॉट्स के नाम बताना चाहेंगे, कौन-कौन से हॉट स्पॉट्स हैं नोएडा में बताने की? स्पॉट है नोएडा के जो 62 सेक्टर 62 का एरिया है, वो उस एरिया को भी पूरा सील किया गया है, वहां पर भी लोग घर से बाहर अपने अब नहीं निकल पा रहे हैं, और मेडिकल स्टोर के लिए भी और जो जरूरी चीजें हैं, जरूरी सामान के लिए भी लोगों को कहा गया है कि अगर इस तरीके की कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए उनको भी ऑनलाइन डिलीवरी के लिए बात की जा रही है, कि ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से उनको जरूरी सामान पहुंचाया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर के 12 जो हॉटस्पॉट स्थान बनाए गए हैं, जिन पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। जी शिकार, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा से हमारी सहयोगी शिकार अस्तोगी ने बताया कि जैसे ही फैसला आया कि सील कर दिए जाएंगे, जिलों के जो इलाके हैं उनको वहाँ पर पैनिक बाइंग शुरू हो गई, कालाबाजारी जिसको कहते हैं वो शुरू हो गई, जिसको लेकर सरकार के फैसले पर आया कि कालाबाजारी करते हुए जो भी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन
बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब जिलों के राज्य जो राज्य हैं उनके ज़िले सील कर दिए जा रहे हैं। वहीं कई इलाके ऐसे हैं जिनको हॉटस्पॉट बनाकर घोषित कर दिया गया है, वहाँ पर किसी का भी आना जाना सील के दौरान मना है। अभी जो डेट है 15 अप्रैल बताई जा रही, लेकिन हो सकता है ये डेट आगे भी बढ़ जाए क्योंकि देखा रहेगा कि किस तरीके से जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो नीचे आती है या फिर ऊपर जाती है, इस पर डिपेंड करेगा ये फैसला। लेकिन आपको बता दें कि लॉकडाउन की तारीख पर भी विचार विमर्श चल रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन संसदीय दल के नेताओं के साथ बैठक की थी और उस बैठक में लॉकडाउन को लेकर विचार विमर्श किया था। चलते हैं अब ग्रेटर नोएडा की तरफ और वहाँ से संवाददाता रजत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत कुमार, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या हाल है इस वक्त ग्रेटर नोएडा के, कौन कौन से हॉटस्पॉट बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा में लगभग 9 जगह हैं जो चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर जो कोरोना मरीज थे जो मिले थे, उन्हीं जगहों को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। हालांकि आवागमन बिल्कुल बंद है, लोगों को जो खाना और भी जो सुविधाएं होती है वो जो नंबर है जो प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, उन्हीं के नंबर पर कॉल करके जो हर सुविधा होती है वो मुहैया कराई थी। हालांकि प्रशासन पुलिस अलर्ट है, पूरी तरह से जो बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर ग्रेटर नोएडा को जो 9 जगहों को चिन्हित कर दिया गया, 9 जगहों को चिन्हित कर दिया गया। तो इस वक्त किस तरीके से जो सरकार की तरफ से कहा गया था एमरजेंसी जो सामान्य घरेलू सामान की होम डिलीवरी कराई जाएगी, पहले भी बोला गया था लेकिन सी के दौरान इस पर ज्यादा सख्ती की जा रही, तो इस पर किस तरीके के असर दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, हालात है वो लग रहे हैं कि जिस तरह से जो कोरोना मरीज जो बढ़ रहे हैं, कदम उठाया जिससे जो कोरोना मरीज कंट्रोल कर सके, जो जिले के जो चिन्हित थे जैसे कि दादरी भी है, तमाम क्षेत्र सेक्टर हैं उन्हीं जगहों को चिन्हित किया गया, और जो सुविधाएं हैं वो सरकार द्वारा नंबर जारी किए गए हैं और प्रशासन द्वारा भी हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जो लोग हैं वो अपने घरों से ना निकले और जो सुविधा है उनको हर सुविधा उन्हीं के घर पे हर सुविधा मिलेगी, हर सुविधा मिलेगी। जो भी सुविधा लोग घर जाकर सामान लेने की कोशिश कर रहे थे, इस वक्त सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है उनकी होम डिलीवरी कराई जाए और इस पर सख्ती भी की जा रही है। यहीं पर रजत जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पैनिक बाइंग की खबरें सामने आ रही थी और कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही थी, ग्रेटर नोएडा में क्या खबरें हैं इसको लेकर? काला बाजारी को तो लेकर ग्रेटर नोएडा में अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी नहीं आई कि जो लोग हैं जो कोई दुगना पैसा ले रहा है, ऐसी कोई भी सूचना आई है, क्योंकि इस यहाँ का जो प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों में जो सेक्टर है उन्हीं जगहों को जाना की अब तक सीज किया गया है, और जहाँ तक जो लोग हैं जो जैसे तमाम जगह ग्रेटर नोएडा में वो जो लॉकडाउन की तरह खुले हुए, लेकिन जो सेक्टर है उनको सीज किया गया। प्रशासन की टीम ही है जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा जारी किए गए हैं, लोग वही खाना वितरण कर रहे हैं और जो भोजन फोर जो दूध होता है वो ही दे रहे हैं, तो इसको लेकर कालाबाजारी का यहाँ पर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं आई है। जी कोई भी जानकारी कालाबाजारी का लेकर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोगों में भगदड़ देखने को मिली थी कि कल जैसे ही फैसला आया कि रात 12 बजे के बाद इलाकों को सील कर दिया जाएगा, पहले खबर यह आई थी कि 15 जिले सील किए जाएंगे, लेकिन बाद में बताया गया कि कुछ हॉट स्पॉट्स बनाए गए वहाँ पर सील कर दिए जाएंगे, तो किस तरीके की भगदड़ थी, किस तरीके के हालात थे, जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पहले जो सूचना आई थी कि जिले यूपी के 15 जिले हैं उनको सीज किया जा रहा है, लेकिन लोगों का भय हो गया कि अगर 15 जिले को सीज किया जाएगा, जो जिले जैसे इसमें नोएडा और तमाम तरह के जो गाजियाबाद जो जिले हैं उनको, लोगों में ये डर था कि कहीं सीज करने के बाद जो उनको जो खाने की व्यवस्था नहीं मिलेगी, तो इसको लेकर जो लोग काफी भगदड़ मची थी, जो मार्केट था पूरी तरह से जैसे कि जमावाड़ा था लोगों की, लेकिन लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि जो जिले में है जो हॉटस्पॉट जगह है जहाँ पर कोरोना मरीज है उन्हीं को किया गया है, उन्हीं को सीड किया गया है, लेकिन जब इसकी जानकारी लोगों को मिली तो अब लोग घरों से निकलना बंद कर दिए। ग्रेटर नोएडा से संवाददाता रजत कुमार थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है और जो खबर सामने पहले फैसला आया था कि जिलों को सील किया जाएगा, लोगों में भगदड़ मच गई, उसके बाद जब हॉटस्पॉट की खबर आई तो लोगों में थोड़ी राहत थी, लेकिन सवाल ये अभी भी है कि क्या सील करने के बाद भी लोग अपने घरों में रुकेंगे, क्या कोरोना वायरस संक्रमितों के ग्राफ में कुछ कमी आएगी, क्योंकि अब तक ये ग्राफ ऊपर चढ़ता चला गया। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 15 जिले यूपी के सील कर दिए गए, वहाँ पर भी कुछ हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं जहाँ पर कोरोना संक्रमितों की संख्या ज़्यादा पाई गई है या फिर एक भी मरीज वहाँ से पाया गया, तो वहाँ पर हॉटस्पॉट बनाकर उसको सील कर दिया गया। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या कम करने में हर प्रयास संभव हो। यहाँ पर आपको बता दें कि किस तरीके से सरकार ने ये प्रयास करने की कोशिश की, होम डिलीवरी जैसे कि लॉकडाउन के दौरान कहा था कि होम डिलीवरी कराई जाएगी घरेलू सामान की, जो भी इमरजेंसी सेवाएं घर तक पहुँचाई जाएंगी, तो
तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब चलते हैं मेरठ की तरफ। संवाददाता संदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए मेरठ से। संदीप, इस वक्त मेरठ के क्या हाल है, कौन कौन से हॉटस्पॉट्स बनाए गए? जी कोमल, जैसे मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के 15 जिलों को 11 हॉट स्पॉट सील किए गए हैं। उसमें लखनऊ, आगरा, सहारनपुर, शामली, मेरठ आदि, अगर बात करें मेरठ की तो मेरठ में 11 हॉट स्पॉट एरिए हैं जो कि 8 थानों के अंदर में आते हैं। ताप्ती नगर सेक्टर 13 नौचंदी, मकान नंबर 287 सराय बरान, सोराब गेट, कोतवाली, मोहम्मद हुमायूं नगर, हकीमपुर से जुमा नगर रोड तक, खरखोदा दिशाड़ी, 253 हरनाम दास रोड सिविल लाइन, D65 सूर्य नगर मेरठ सिविल लाइन, मदीना मस्जिद, आजाद नगर कॉलोनी सरदना, अराफत वाली मस्जिद मोहल्ला, कल्याण सिंह मवाना, छपार वाली मस्जिद मोहल्ला बड़ा मवाना, ASDD कॉलेज बड़ा मवाना, महादेव मंदिर, कस्बा शिवाई, तहसील सरदना सरूरपुर, इन 11 इलाकों के सिवाय सील किया गया है। अगर कुछ भी जरूरी सामान के लिए उन्हें कुछ जरूरत पड़ती है तो 112 पर कॉल कर अपने जरूरी सामान बता सकते हैं, तब उनको सामान वहां पर मुहैया करा दिया जाएगा। जाना चाहेंगे मेरठ में लॉकडाउन के दौरान मरीजों के आंकड़े जो है किस तरीके से बढ़े हैं, उनके आंकड़ों के बारे में बात करना चाहेंगे क्योंकि सील किया गया है इसका मतलब संख्या जी तक के जो आंकड़े आ रहे थे वो 35 आ रहे थे, 35 रात 3 और नए जुड़े हैं जिसमें कि उन्हें मिलाकर कुल 38 हो जाते हैं और एक की मौत हो गई है। तो सरकार की जो होम डिलीवरी की सुविधा है वो क्या ठीक से जनता तक पहुंच पा रही है? अभी सारे बड़े अधिकारी मेरठ से जुड़ चुके हैं और हर एक जगह पर नजर बनाए हुए हैं, हर एक को हर चीज मुहैया कराई जा रही है। तकरीबन हर मोहल्ले में बिल्कुल सीज कर हर एरिया को सीज कर दिया गया है और किसी को भी जाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है, केवल जो सामान उनको मुहैया कराया जाएगा उनको ही लिया जाया जा रहा है। जी, यानी कि आपका घर से पूरी तरह से निकलना प्रतिबंधित कर दिया गया है और जो जरूरी सामान की है वो डिलीवरी कराई जाएगी। जी, जानकारी जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ से संदीप जी जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से मेरठ में सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं, आला अधिकारी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जनता पैनिक ना हो, उन तक हर सुविधा पहुंचाई जाए और जो भी घरेलू सामान है उनकी होम डिलीवरी की जो फैसला था वो तो पहले से ही आ चुका था लेकिन अब जो चीज एरिया है वहाँ पर इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। यूपी के 15 जिलों में कुछ इलाके जो हॉटस्पॉट बनाकर सील कर दिए गए हैं, जहां पर लोगों को एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले का कनेक्शन काट दिया गया है। जिस तरीके से लोग बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे अब वो नजर नहीं आएंगे। लगातार हम आपको तमाम जो जिले हैं यूपी के तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि लॉकडाउन के बाद जो इलाके सील किए गए हैं किस तरीके से लोग अब घरों में ही रहेंगे, जो भी ज़रूरी सामान है वो उन तक सरकार की तरफ से करवाया जाएगा, होम डिलीवरी करवाई जाएगी। चलते हैं अब आगरा की तरफ, बात करते हैं हमारे संवाददाता विवेक जैन से। विवेक, आगरा के किस तरह के हालात हैं इस वक्त? मैं आपको बता दूं कोमल, आगरा में जो हालात है वो अब काफी सुधरते जा रहे हैं क्योंकि आज से यहाँ पर कोरोना बम फटा है और 19 कुछ लोग पॉजिटिव यहाँ पर आए, उनकी रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि 19 लोगों को और कोरोना के लक्षण आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आगरा में जो कोरोना संक्रमण की जो संख्या है वो 84 तक पहुँच चुकी है, जिसको लेकर आज आगरा में 22 जगह पर हॉटस्पॉट उन्हें घोषित करा गया और 22 जगह पर पूरी तरह से सील लगा दी गई है। हॉटस्पॉट्स के नाम जानना चाहेंगे आगरा के जो हॉटस्पॉट्स हैं आपके जरिए बताना चाहेंगे दर्शकों को। आगरा में 22 हॉटस्पॉट को चिन्हित कराया गया है जिनमें से कमला नगर जो प्रमुख आगरा का एक मार्केट है उस जगह को बताया गया है। इसके अलावा SR हॉस्पिटल है यहाँ पर, नाम में एक जगह है वहाँ उसको भी हॉटस्पॉट में शामिल करा गया है। इस तरह से 22 जगह को यहाँ पर चिन्हित करा गया है, 22 जगह को चिन्हित किया गया है। लेकिन सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही है क्या, वो शुरू कर दी गई है और जनता का क्या रवैया है जो इलाके सील किए गए हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ हालांकि जो इलाके सील करे गए हैं वहाँ पर तुरंत ही लाउड स्पीकर से अनाउंस करा गया था, जगह जगह पर गलियों में जा जाकर लाउड स्पीकर बोला जा रहा था कि कोई भी जना जो ये हॉटस्पॉट में ये जगह शामिल है कोई भी जना फिगर से बाहर निकले,
नंबर फोन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं कि अगर किसी को घर में कोई खाद्य सामग्री की कमी आती है या फिर कुछ और कमी आ रही है तो वो तुरंत इस नंबर पर फोन करे। पुलिस महकमे का कोई व्यक्ति या नगर निगम का कोई व्यक्ति आएगा और आपसे जो सामग्री आपको चाहिए होगी वो सामग्री आपको घर बैठे उपलब्ध करवाएगा। तमाम तरीके की सुविधाएं घर बैठे जनता को पहुंचेगी जो सील एरिया है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हमें आगरा से संवाददाता को देखते हैं, फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके के हालात हैं आगरा में और किस तरीके से सरकार सुविधाएं उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। 22 हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं आगरा में। लगातार हम बात कर रहे हैं यूपी के 15 जिलों की। 15 जिलों में जो हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर वहाँ पर सील कर दिया गया है। एक मोहल्ले का कनेक्शन दूसरे मोहल्ले से काट दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर जो जहाँ पर है वही रहेगा दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, यानी कि जो सुविधाएं हैं जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन तक पहुँचेगी, उनको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। सरकार के अनुसार अगर सील्ड एरिया से भी बाहर लोग निकलते हैं और पुलिस पकड़ती है वैलिड रीज़न देने पर ही वो आगे जा सकेंगे। विद रूल्स अगर आपके पास कोई कारण नहीं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। इसी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन के पीरियड के दौरान जो आंकड़े लगातार ऊपर बढ़ते चले गए हैं उसको देखते हुए 15 जिलों के कई इलाके हॉटस्पॉट घोषित करके सील कर दिए गए हैं। इस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं ये किसी से नहीं छुपे हुए हैं। चलते हैं आप फिरोजाबाद की तरफ, फिरोजाबाद की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि यूपी के 15 जिले हैं। 15 जिलों में कुछ हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं जहां पर कुछ इलाके हैं हॉटस्पॉट बनाए हुए उनको सील कर दिया गया है। इलाकों में सील के दौरान जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए हैं, कालाबाजारी के मामले भी सामने आए हैं और लोगों ने पैनिक बाइंग भी की है। बता दें कि सरकार का साफ कहना है कि इस वक्त जो भी ज़रूरी सेवाएँ उन तक पहुँचेंगी। बरेली चलते हैं आप सीधा बरेली की तरफ। बरेली की तरफ जानते हैं, जुड़ चुके हमारे साथ आदर्श दिवाकर बरेली से। आदर्श, इस वक्त बरेली के क्या हालात हैं? आपको बताना चाहेंगे कि सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं और ये बताना है कि बरेली में सुभाष नगर एक मोहल्ला पड़ता है जिस जगह एक परिवार में 5 केस मिले थे उस जगह को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जी, पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, यानी कि एक ही हॉटस्पॉट बनाया है। जी जी। तो अभी तक कुल मरीजों की संख्या बरेली में कितनी सामने आई है, वही 5 है या फिर और भी बढ़ी? बरेली में फिलहाल 5 ही है। एक इलाके को छोड़कर पूरी बरेली पहले जैसी लॉकडाउन रहेगी, सिर्फ एक इलाके का कनेक्शन बरेली से काटा गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बरेली के हालात जाने हैं, सिर्फ एक हॉटस्पॉट है जहां पर सील कर दिया गया, बाकी पूरी बरेली इसी तरीके से लॉकडाउन रहेगी जैसे पहले थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन के बाद भी क्या लोग मानेंगे, अपने घरों में रुकेंगे? कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि लोग अपने घरों में रहें, जो ज़रूरी सेवाएं हैं उन तक घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ इमरजेंसी नंबर भी सरकार की तरफ से सामने लाए गए थे, लेकिन अगर वो नंबर्स भी लोगों के पास नहीं है तो 112 डायल करके वो अपनी जो ज़रूरी सामान की लिस्ट है वो बता सकते हैं, उनके घर तक वो सामान पहुँचाया जाएगा। सील एरिया में जिस तरीके की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि लोगों को कोई परेशानी ना हो, यही उम्मीद की जा रही है जनता की भी तरफ से कि सरकार का सहयोग करें, क्योंकि घर पर रहेंगे यही बहुत बड़ा योगदान हुआ कोरोना वायरस को रोकने में, उसकी चेन तोड़ने में। जिस तरीके से देश में आंकड़े बढ़ चुके हैं, लगातार हम बात करें 5,500 के ऊपर संक्रमितों की संख्या बढ़ चुकी है, तो किस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं सरकार की कोशिशों के बावजूद भी। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हर खबर पहुंचे, विस्तार के जरिए हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं यूपी के 15 जिलों में कुछ हॉटस्पॉट्स, आपको बताया हमने लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, मेरठ, आगरा और बरेली के हालात आप तक पहुंचाए हमारे संवाददाताओं ने, आप तक हर खबर पहुंचाई कि हॉटस्पॉट्स किस तरीके से बनाए गए हैं, किस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है। जहां बैंकों की खबर आ रही थी कि बैंकिंग और ATM ये सब बंद हो जाएंगे, तो कुछ बैंक खुले हुए भी, ATMs खुले हुए हैं। अगर हालांकि इस टाइम पे पैसों की ज़्यादा लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जो खबरें सामने आ रही हैं लोगों को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी बैंक और ATM खुले हुए हैं, मेडिकल्स भी खुले हुए हैं, ज़रूरी सेवाएं जो है घर तक पहुंचाई जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पहले जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन, उसके बाद अब इलाके सील,
जिस तरीके से जनता जो है यहाँ पर अपना सहयोग कहीं ना कहीं देने में असफल साबित हो रही है, क्योंकि सरकार इतने प्रयास कर रही है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। बड़ी खबर, यूपी के 15 जिले और वहाँ पर कई इलाके हॉटस्पॉट के घोषित कर दिए हैं, हॉटस्पॉट बनाकर यहाँ पर सील कर दिया गया है। कई लोग कालाबाजारी करते हुए भी पाए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हैं। यूपी के 15 जिले हम आपको बता रहे हैं कि 15 जिलों के एक बार मैं आपको नाम बता देती हूँ। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, शामली, सहारनपुर, लखनऊ, मेरठ, महाराजगंज, वाराणसी, बरेली, बस्ती, फिरोजाबाद और सीतापुर, ये 15 जिले आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कुछ हॉटस्पॉट बनाए गए यहाँ पर, जिनको सील कर दिया गया है। सील के बाद सरकार की तरफ से कोशिश है कि इन तक कोई भी सुविधा पहुंचने से ना रुक पाए, क्योंकि सरकार हमेशा यही कोशिश करती है कि जनता तक हर सुविधा पहुंचे। अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी सुविधा भी उन तक पहुंचाई जाए, घर तक उनकी सारी सुविधाएं पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से बड़ा आग्रह किया गया है कि सील के दौरान अपने अपने घरों से ना निकले, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोग बाहर निकल रहे थे। 15 जिलों के नाम बताए हमने आपको और कुछ जिलों के हालात भी आपको बताए हैं कि किस तरीके के हालात है वहां पर। लेकिन इन हालातों के बाद भी सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन और सील के बाद क्या है? इस ग्राफ में कोई कमी आएगी? जो संक्रमितों की संख्या है वो आगे जो बढ़ती जा रही है वो कम होगी? देश में लॉकडाउन का समय चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना संक्रमितों की संख्या कम नहीं हो रही है। दुनिया की बात की जाए तो दुनिया के कई देश ऐसे जिन्होंने लॉकडाउन का पालन किया है। WHO के अनुसार भारत ने जो लॉकडाउन का फैसला लिया वो फैसला कहीं ना कहीं सफल साबित हो सकता है, अगर कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होती है, कोरोना चेन तोड़ने में भारत कामयाब होता है। चीन से शुरुआत हुई, हो सकता है भारत कोरोना का खात्मा करने में कामयाब हो, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि भारत में अच्छा कदम उठाया गया लॉकडाउन का फैसला लेकर। चलते हैं आप सीधा फिरोजाबाद की तरफ, वहां के हालात जानेंगे। जुड़ चुके हैं हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र, फिरोजाबाद के क्या हालात हैं इस वक्त? जी कुमल जी, मैं हम बताना चाहूंगा फिरोजाबाद के हालात, क्योंकि फिरोजाबाद में जिस तरह से कल मुख्यमंत्री जी ने जैसे आदेश किए थे सील के 15 जनपद सील होने थे, तो वहां पर उसमें फिरोजाबाद भी था। फिरोजाबाद में इस 4-5 दिन के बीच में कई पहले 4 पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद में इस अंतराल में 4-5 दिन में 6 की बढ़ोतरी और हुई, इस समय 10 है। इसलिए जहाँ पर हॉटस्पॉट जो एरिया था उसको हॉटस्पॉट एरिया को बिल्कुल पूरी तरह सील किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ पर विशेष समुदाय का एक इलाका है, यहाँ पर जीतान मोहल्ला है, मोहल्ला हुसैनी है और कई मस्जिद है, और वहाँ पर थाना रसूलपुर का जो क्षेत्र है ना पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। पुलिस ने काफी गंभीरता से, जिला प्रशासन ने काफी गंभीरता से इस चीज को लिया है, और वही बाकी की जो व्यवस्था है, जो लोगों का आवागमन बना उसको स्टॉप करते हुए लोग जो चीजें हैं उनको घर से ही मुहैया कराई जाएंगी, ये व्यवस्था यहाँ पर जिला प्रशासन ने की है। कोमल जी, तो सरकार पूरी कोशिश है कि जनता को कोई भी परेशानी ना हो। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। ये थे फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। अब चलेंगे सीधा मुजफ्फरनगर, वहां से सहयोगी हमारे जुड़ चुके हमारे साथ, तो विजय, विजय से जानेंगे क्या हालात है मुजफ्फरनगर के। विजय देखिए कोमल, मुजफ्फरनगर में अभी 3 मामले कोरोना वायरस के जो सामने आए हैं, अभी यहाँ पर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और प्रशासन ने पूरा शक्ति का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पर भी पूरी तरीके से मतलब घर से बाहर नहीं निकले दे रहे हैं लोगों को, लॉकडाउन में मतलब पूरे तरीके से शक्ति देखने को मिल रही है यहाँ पर। जी चलिए, 15 जो जिले हैं उनमें मुजफ्फरनगर का नाम तो नहीं है, लेकिन फिर भी हालात जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यूपी का हर राज्य बहुत ज़रूरी है कि मुजफ्फरनगर भी यूपी में ही आता है,
लेकिन आपसे नोएडा के भी हालात जानना चाहेंगे, क्योंकि नोएडा की भी जानकारी आपके पास है, तो नोएडा के क्या हालात हैं वहाँ की जानकारी चाहेंगे। देखिए कोमल, बुधवार से रात 12 बजे से ये जो 15 जिले सील किए गए इसमें नोएडा का भी नाम है, नोएडा के भी हॉटस्पॉट एरिया हैं जो उनको भी सील किया गया है। इनके इनमें किसी भी तरीके की मतलब डील नहीं दी जाएगी और सख्ती के पूरे आदेश दिए गए हैं। एक नंबर जारी किया गया है जिस नंबर पर कॉल करके जरूरी सामान मंगवा सकते हैं। जी नंबर आपके जरिए बताना चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं। हाँ हाँ, मैं नंबर भी बताना चाहूँगा, ये नंबर है 1800-419-2211। इस नंबर पर कॉल कर आप मतलब पूरी जो जरूरी सामान है वो मंगवा सकते हैं। अगर नोएडा के हॉटस्पॉट एरिया की बात करें तो इसमें सेक्टर 27, सेक्टर 28, वाजिदपुर गांव, सेक्टर 41, हाइड पार्क सेंटर, सेक्टर 78, सुपर टेक कोपर टाउन, सेक्टर 78, लोटस सेक्टर 100, अल्फा 1, ग्रेटर नोएडा, निराला ग्रीन सेक्टर 02 नोएडा, लॉजिक्स ब्रॉस काउंटी सेक्टर 137, ATS डोल जीटा ग्रेटर नोएडा, डिजाइनर पार्क सेक्टर 62, सेक्टर 5, आर्ट और जे जे कॉलोनी है इसमें। तो ये तमाम हॉटस्पॉट से जहाँ सील कर दिया गया है, लोग इधर से उधर नहीं जा पाएंगे। जो लॉकडाउन के दौरान लोग बाहर निकल रहे थे, अब इन इलाकों के लोग घरों में ही रह गए। विजय जानना चाहेंगे सरकार की तरफ से जो सुविधाएं देने की बात कही गई है, इमरजेंसी सेवाएं हो चाहे घरेलू सामान की सुविधा, होम डिलीवरी, इसमें कितनी सच्चाई और कितना दिख रहा है कि जनता का रवैया क्या है, दोनों तरफ के मामले जानना चाहेंगे। देखिए अभी तक जितना भी सरकार कर रही है, जितना भी उसको देखते हुए तो लग रहा है कि सरकार जो भी नंबर दिया है उसको सही तरीके से लेगी सरकार। पूरी पूरे मतलब कि पूरा शक्ति से इस वक्त सरकार ने रवैया अपनाया हुआ है और जो नंबर दिया है उस नंबर पर भी सरकार सही तरीके से लोगों की सहायता के लिए आगे आ रही है। अच्छा जी, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इन मामलों को कम करने की कोशिश की जाए और जनता तक हर सुविधा पहुंचाई जाए, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि काला बाजारी का भी मामला सामने आ रहा था नोएडा से कई जगहों से, क्योंकि इस दौरान लोग सामान महंगा करके बेचते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई? देखिए ये सच्चाई तो है इसमें, लेकिन जो सरकार ने पूरे तरीके से आदेश दिए हैं कि कोई भी कालाबाजारी नहीं करेगा, और नोएडा के जो नए DM आए हैं सुहास एलवाई, उन्होंने भी पूरी सख्ती से मतलब इसको अपनाया हुआ है रवैया, और वो किसी भी ढील को नहीं बर्दाश्त करेंगे, इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय। ठीक है विजय हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से नोएडा में सख्ती देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जो हॉटस्पॉट्स हैं नोएडा के उनके नाम बताए विजय ने। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि यूपी के 15 जिले और 15 जिलों के कुछ इलाके हॉटस्पॉट घोषित करके सील कर दिए गए हैं। इसी पर बातचीत करेंगे आगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि यूपी के 15 जिलों के कुछ हॉटस्पॉट्स बनाकर घोषित किए गए हैं जिनमें कई इलाके शामिल हैं, लेकिन पहले आपको मैं जिलों के नाम एक बार फिर से बता देती हूँ। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, शामली, सहारनपुर, लखनऊ, मेरठ, महाराजगंज, वाराणसी, बरेली, बस्ती, फिरोजाबाद और सीतापुर, ये वो इलाके हैं, ये वो जिले हैं जहाँ पर कई इलाकों को हॉटस्पॉट बनाकर घोषित करके सील कर दिया गया है। यहाँ के लोगों को अब घर से निकलने की इजाज़त नहीं होगी, साथ ही साथ जो घरेलू सामान है उनकी होम डिलीवरी कराई जाएगी। बता दें कि जब ये फैसला सामने आया है तो लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए, हड़बड़ाहट सामने आई, हड़बड़ाहट देखने को मिली जनता में, लेकिन जब हॉटस्पॉट्स के नाम सामने आए तो कई लोगों में राहत भी देखने को मिली। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो राशन की दुकानें थी वहाँ पर भारी भीड़ भी देखने को मिली है। लॉकडाउन के बावजूद भी सरकार कितना ही कोशिश कर रही है कि घरेलू सामान उनके घर तक पहुँचाया जाए, लेकिन जनता की लापरवाही, यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जनता के लिए जब सरकार इतना कर रही है तो जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार का सहयोग दे। जो जिले हैं यूपी के वहां के कई इलाके हॉटस्पॉट बनाकर घोषित कर दिए गए हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से 15 जिलों के इलाकों को हॉटस्पॉट बनाकर घोषित करके सील करके सामने लाया गया है और वहाँ के लोगों को बाहर निकलने की अब इजाजत नहीं है, जो भी सामान की जरूरत होगी उन तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के जो आंकड़े हैं, कई देश हैं, कई
लाख जो लाखों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, भारत की बात की जाए तो 5,500 के ऊपर मामला चला गया है आंकड़ों में, और मौत भी 180 के करीब हो चुकी है, लेकिन कई लोग ठीक भी हुए हैं। अगर बात करेंगे ठीक होने की, तो भारत में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है, उस दवाई के इस्तेमाल के लिए कई देशों ने भारत से आग्रह भी किया है। कई 30 लगभग देश हैं जिनका आग्रह भारत के पास आया है, उनमें शीर्ष पर अमेरिका है। अमेरिका ने जिस तरीके से मलेरिया की जो दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन उसकी डिमांड की है, वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने हामी भी भरी है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की है। लगातार हम बता रहे हैं कि सरकार किस तरीके से आग्रह कर रही है जनता से, आग्रह न मानने पर सख्ती भी दिखा रही है। 15 जिलों के हॉटस्पॉट्स, सारी खबरें डी स्टार के जरिए आप तक पहुंचती हैं। इस वक्त कोरोना युग चल रहा है, कोरोना काल है, इस वक्त जरूरत है कि सभी एकजुटता दिखाएं, अपने अपने घरों में रहें, सरकार जो निर्देश दे रही है उनका पालन करें, क्योंकि जरूरी है सरकार की बातों को मानना। अगर हम अपने अपने घरों में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ABC स्टार न्यूज़।